स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन फर्स्ट। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फर्स्ट पढ़ो क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। वेरी गुड। एक बार मैं फिर रीड कर दे रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। द रेडियस ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ये दोनों सर्किल दिए गए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्किल्स। ओके, मतलब हुआ कि आपको दो सर्किल ये मालूम है जिनके जिनकी रेडियस रिस्पेक्टिवली 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इनके सर्कमफेरेंस को ऐड करके एक नया सर्किल बना है जिसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। इसका सर्कमफेरेंस देखिए, दो सर्किल हमने यहाँ बना दिए हैं और ये तीसरा सर्किल बना दिया है कि दो दोनों के सर्कमफेरेंस को ऐड करने के बाद मिला है। फर्स्ट सर्किल की का सर्कमफेरेंस C1 एज्यूम कर लिए, सेकेंड का C2 एज्यूम कर लिए और जो बना नया वाला उसका सर्कमफेरेंस कैपिटल C। फर्स्ट सर्किल का रेडियस 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर सेकेंड का और इसका R एज्यूम कर लिए हैं, इसको फाइंड करना है। ओके, रेडियस भी हमने अलग अलग कर लिया, R1, R2 और कैपिटल R, वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या है कि पहले सर्किल का सर्कमफेरेंस मतलब C1 और दूसरे सर्किल का सर्कमफेरेंस मींस C2 को ऐड करके कौन सा मिला है, ये सर्कमफेरेंस कैपिटल C मिल गया। ठीक है, अगर हम फार्मूले पे आए तो सर्किल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, होता है ना। यहां पर क्या होगा, इसका कितना होगा, इस वाले सर्किल का 2πr1 बिकॉज रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज R1, 2πr1। C2 का कितना होगा, 2πr2 है और इसका कैपिटल C इक्वल टू 2πr कैपिटल। ध्यान रखें फार्मूला वही है लेकिन देख लो रेडियस आपने क्या एज्यूम किया हुआ है। अब यहां पे देखिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, 2πr कॉमन हो सकता है लेफ्ट साइड, इट मींस यू विल गेट R1 + R2 इज इक्वल टू 2πr कैपिटल। अब देखो 2πr 2πr कैंसिल हो सकता है, वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। अब उसके बाद आप चाहो तो R1 और R2 की वैल्यू पुट कर सकते हो। R1 की वैल्यू 19, R2 की वैल्यू 9 इज इक्वल टू कैपिटल R और आपको मिल गया जाएगा 28 इक्वल टू कैपिटल R। रिजल्ट में आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो जो नया वाला सर्किल आपको मिला था दोनों के सर्कमफेरेंस को जोड़ने के बाद उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं समझ पाए? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको लगभग क्वेश्चन आपको सर्किल से रिलेटेड मिले। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस सर्किल से नए जो फिगर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, उनकी एरिया निकालेंगे। Any doubt?